तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं सर हमारे सपोर्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राम होता है। तो फ्रेंड, जो आज के वीडियो आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही कमाल का वीडियो रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि इस चीज़ को जानने के लिए बहुत से जो मतलब कि सब्सक्राइबर्स हैं डीडी फिटनेस के और बहुत से जो यूजर्स हैं वो काफ़ी इस चीज़ को लेकर के परेशान थे कि दो से तीन ऐसे जो चैनल्स हैं जो कि डीडी फिटनेस के प्लेटफॉर्म से मतलब कि रिमूव हो चुके हैं या नहीं, और इसके जगह पर न्यू चैनल्स को ही ऐड होगा या नहीं। ये सारा कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि वो कौन सा चैनल्स है जो कि डीडी फिटनेस के प्लेटफॉर्म से फाइनली रिमूव हो चुका है और इसके जगह पे मतलब कि कोई न्यू चैनल्स ऐड होने वाला है नहीं। ये सारा कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, अगर वीडियो को पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो इस कमाल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत से जो मतलब कि हमारे सब्सक्राइबर्स और बहुत से जो यूजर्स हैं वो बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि डीडी फिटनेस के जो प्लेटफॉर्म पे जी उत्तराखंड, जी मतलब कि उत्तर प्रदेश और जी राजस्थान, ये जो चैनल्स हैं क्यों डीडी फिटनेस के प्लेटफॉर्म पर इस समय नहीं चल रहे हैं, यानी कि वहाँ पर क्यों कलरबाजी देखने को मिल रही है। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है डीडी फिटनेस के यूजर्स, और बहुत से लोग जो है कि मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि आखिर में ऐसा क्या है, ये तीनों चैनल डीडी फिटनेस के प्लेटफॉर्म से एक बैग मतलब कि वहाँ पे नहीं चल रहा है, हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड कि ये चैनल्स हैं, ये पेड चैनल है, ठीक है, और इसको डिश टीवी ने कुछ टाइमिंग के लिए फ्री टू एयर यानी कि FTA रखा हुआ था, जिसके वजह से ये डीडी फिटनेस के प्लेटफॉर्म पर चल रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि परसों डेट में यानी कि कल परसों की डेट में डिश टीवी ने इसे एक बार फिर से मतलब कि पेड मोड में कर दिया है, यानी कि उसने फिर भी मतलब कि एक बार फिर से प्राइवेट डीटीएच पे कर दिया है, और जिसकी वजह से ये डीडी फिटनेस के प्लेटफॉर्म से फाइनली जो है कि रिमूव हो चुका है, और इसके जगह फिर कोई मतलब कि अभी न्यू चैनल से ऐड होने का कोई चांस तो नहीं दिख रहा है। और ये जो चैनल्स थे क्लियर यही है कि ये पेड मोड में फिट से हो चुके हैं, और इसीलिए ये हमें डीडी फिटनेस के प्लेटफॉर्म से हम नहीं देखने को मिला है। तो फ्रेंड, यही था आपके सवालों का जवाब जो कि मैं सोचा क्लियर कर दूँ जो कि कंफ्यूजन आपके दिमाग में बना हुआ था। तो फ्रेंड, आशा कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। और